देखिए, आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी और उसमें जो आपने पूरा जौहर कुंड देखा है, ये है वो पूरा जौहर कुंड। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से रानी पद्मिनी उतरी थी बाकी सारी रानियों के साथ। ये वो देख रहे हो, विजय स्तंभ के बराबर से जो सीढ़ी आ रही है, इस सीढ़ी से रानी पद्मिनी उतरी। और उसके बाद आप देख रहे हो, ये जैसे जैसे रेलिंग लगी हुई है, इसके चारों ओर उन्होंने परिक्रमा करी ऐसे करके। और परिक्रमा करने के बाद उसी के बाद ये जो पूरा हिस्सा आज दिख रहा है आपको, पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये गवर्नमेंट ने इसको पाट दिया है। इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ अस्थियाँ और राख ही हैं। तो जौहर होता था और जौहर से पहले यहाँ पर दाह संस्कार हुआ करता था। उसके बाद भी कई टाइम पीरियड तक यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है, या फिर इसको राणा का शमशान भी बोला जाता था। बट हाँ, एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा वेल नोन ये प्लेस है, ये जौहर कुंड के ही नाम से ये जगह जानी जाती है। और मेरे सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर को आज की डेट में तीन मूर्ति मंदिर बोलते हैं, लेकिन रानी पद्मिनी जब इसमें पूजा करती थी तब ये सूर्य मंदिर कहलाता था। बाद में इसमें त्रिमूर्ति की स्थापना करी गई, ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तब से तीन मूर्ति मंदिर कहलाने लगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। चित्तौड़गढ़ के अंदर हमला किया अलाउद्दीन ने, जब वो अंदर उसकी पूरी सेना घुस आई, तो उसके बाद कई जगह पर अंदर तोड़फोड़ करी गई। जितनी भी जगह पर और मंदिरों में तोड़फोड़ करी गई है, उनके साक्ष्य भी यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। जितने भी पत्थर बड़े बड़े टूटे फूटे बाद में एकत्रित किए गए, जितने भी मिल पाए, वो सारे गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखवाए हुए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ से चले जाओगे। ये देखिए, ये विजय स्तंभ के जस्ट सामने आप आओगे, थोड़ी सी दूरी पर चल के जस्ट पीछे तीन मूर्ति मंदिर है, और आगे आप देखो ये छोटा सा शिवलिंग है, आप देख पा रहे हो। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। और इसके जस्ट बराबर में जब आप देखोगे ना, तो ये देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जो आपको पत्थर रख के दिख रहे हैं, अजीबोगरीब आकृति के, ये सब जब यहाँ पर तोड़फोड़ करी गई थी, तो उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं वो सब यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आप। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तीन मूर्ति मंदिर का ही हिस्सा है। और जैसे ही तीन मूर्ति मंदिर के आप बराबर में होंगे, अब आप देखो मैं टॉप ऑफ द रूफ खड़ा हुआ हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये इस जगह की खास बात है। दूसरी चीज जो आप मेरे पीछे जो कुंड देख रहे हो, थोड़ा सा ये नीचे है, मैं इस टाइम पर हाइट में खड़ा हुआ हूँ। इस कुंड की खास बात यह है कि इसको गोमुख कुंड बोलते हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा हाइट में अगर कोई कुंड है तो यही वो कुंड है। किसी को नहीं पता कि इस कुंड में पानी इतनी हाइट में कैसे आ रहा है। देखो, हिमालयन रेंजेस के लिए ये नॉर्मल थिंग है, लेकिन अरावली रेंजेस जो कि यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस नहीं है, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी को भी नहीं पता कि इतनी हाइट में कैसे पानी आ रहा है। मतलब वो शहर है, वो शहर इतना नीचे और इतनी हाइट में चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर भी पानी आ रहा है। ओके, और बाकी गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट, यहाँ पर कई सारे ड्रेनेज सिस्टम लगाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये देखो आप। इसके बाद ये देखो, वहाँ पर जाली लगाई गई है। काफ़ी मैं बारीकियाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो आप। इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें करी हुई है कि हाँ पानी रुके ना यहाँ पे, थोड़ा
क्लियर रहे, ज़्यादा परफेक्ट व्यू दिखे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑथेंटिक और हाइजीनिक हमेशा मेंटेन रहे, जिस वजह से।